करनाल दे विच किसानां दा धरना जारी है। अज दूजा दिन हो चुके हैं, किसानों नू मिनी सैक्ट्रीएट के बाहर घिराओ किए हुए नू। साडे नाल किसान लीडर जोगिंदर यादव जी मौजूद ने, इहनां नाल गलबात करदे हां कि अगे दी रणनीति हुण की रहेगी किसानां दी। जोगिंदर जी, घिराओ करना सीगा वह कर लिया, अज दूजा दिन है, दूजी सवेर चढ़ चुकी है, सूरज चढ़ चुकिया है, की लगता है कि हुण सरकार ते कोई दबाव बन पाएगा या नहीं बनना? दबाव तो होना चाहिए। जो कहा था सरकार ने कि मिनी सेक्रेटेरिएट के पास फटकने नहीं देंगे, रैपिड एक्शन फोर्स, ये बैरियर वो बैरियर सारे टूट गए और किसान ने जहां कहा था वहीं आके बैठा है, तो मैं समझता हूं सरकार को कोई तो सबक मिला होगा। और मेरी उम्मीद है कि बातचीत करके ये मामला जल्द से जल्द सुलझेगा, क्योंकि किसानों ने बहुत ही न्यूनतम अपनी मांग रखी हुई है। किसान तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जिस अफसर ने खुल्लम खुल्ला वीडियो पे कहा कि किसानों के सर फोड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर मैं बोल दूं कि आपका सर फोड़ो, मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ना, पर्चा होगा ना, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं, मेरे पे पर्चा होगा, उस पे पर्चा क्यों नहीं होता? और कल तो राज्यपाल जी ने बिल्कुल मिनिमम बात करी। उन्होंने कहा कि चलो, आप अफसर पे पर्चा नहीं दर्ज करते, आप उसको जेल नहीं भेज रहे, कोई बात नहीं, आप उसको इंक्वायरी करो और इंक्वायरी से पहले सस्पेंड कर दो। बिल्कुल जो स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव काम है कि किसी के खिलाफ सीरियस एलिगेशन होता है, सस्पेंड करते हैं और इंक्वायरी करते हैं, वो भी करने को तैयार नहीं हुई। जब वो भी तैयार नहीं हुई, फिर हमने कहा कि ठीक है जी, फिर महापंचायत फैसला करेगी और किसान यहाँ पे आके पहुंचे हैं। हमें यहाँ पे कोई पक्का मोर्चा नहीं लगाना, हम तो तैयारी में है कि 5 मिनट में उठना चाहते हैं हम तो यहाँ से, बस सरकार मान ले। इनकी दिक्कत ये है कि करनाल वाले फैसला नहीं ले सकते, वो चंडीगढ़ फोन करते हैं, चंडीगढ़ वाले फैसला नहीं कर सकते, वो दिल्ली फोन करते हैं, इसी तार में बेचारा किसान उलझा हुआ है। तुहानू की लगता कि मंशा की हो सकती है सरकार की, जी हुण तक मान नहीं रही, क्योंकि एक धरना उत्थे चल रहा, दूजा इत्थे शुरू हो चुका? सरकार ने पहले सोचा होगा कि किसानों को उलझा दो, आंदोलन को डाइवर्ट कर दो, लेकिन हरियाणा में जब जब सरकार ने कोशिश की है, पासा उल्टा पड़ा है उनसे। उन्होंने हिसार में कोशिश की, टोहाना में की और अब करनाल में, तीनों बार सरकार को पीछे हटना पड़ा, तीनों बार किसान आंदोलन का समर्थन कई गुना ज्यादा बढ़ गया और आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकला। मुझे विश्वास है कि करनाल में भी यही होगा। अच्छा, कल जी मीटिंग हुई थी, उदे विच कल सस्पेंड लेके गलबात हुई या मुआवजे लेके भी गलबात हुई? किसानों की तरफ से सब मांगे थी और वो मांगे हैं। मांग है अफसर पे कार्रवाई की, मांग है हमारे शहीद किसान के परिवार को समर्थन की, मांग है घायल किसानों को मुआवजे की, मांग है केस वापस लेने की। लेकिन कल हमने अपनी बातचीत में सिर्फ और सिर्फ पहले सवाल पे पहले बात की। सरकार चाहती थी कि मुआवजे के लेन देन में मामले को निपटाए, हमने कहा ना, जरूरत हो तो अपने किसान भाई को हम अपने पैसे से मदद कर लेंगे। सवाल इज्जत का पहले है, आपने ये जो किसानों के साथ किया ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है और इसी पे बातचीत टूट गई। यानी कि मुआवजे में सरकार राजी हो गई थी? सरकार कह रही थी हाँ जी मुआवजे में ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप इस पे करो, हमने कहा जरूर बात करेंगे, वो मांग है हमारी, लेकिन पहले उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करो ये बताओ, इसीलिए बात टूट गई। देखा जाए एक धरना हुण उत्थे चल रहा है दिल्ली दे विच, एक धरना इत्थे शुरू हो गया, कि इसे तरह के नाल जे मंगा ना मनिया गई इत्थे वाली जिहड़ी करनाल वाली गल करदे आ, कि इत्थे हुण पक्का मोर्चा लगेगा? सरकार जितने ज्यादा मोर्चे खुलवाना चाहती है कर ले। ऐसा नहीं है कि जो सारे किसान यहाँ बैठे हैं सब टिकरी में गए हुए थे, ये अपने गाँव में थे, तो सरकार ने जबरदस्ती मौका दे के किसान आंदोलन को और बड़ा बनाया है। अगर करना चाहते हैं तो कर ले, हमें पक्का मोर्चा नहीं लगाना। ये 3 कानून रद्द होने तक चलने वाला मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट 28 तारीख वाले इंसिडेंट के बारे में मोर्चा है। जैसे ही वो बात सुलझ जाती है हम आगे बढ़े। घिराओ करने की गल की थी, घिराओ कर लिया, कल सफल भी हो गए किसानों के बीच, आज दूजा दिन है, हुण अगे की है इस सवाल, अगे हुण ये चल रहा है कि हुण अगे की होएगा, की रणनीति रहने वाली है? अगे उन्हें रणनीति बनानी है, हमारी तो रणनीति सिंपल है, दरी बिछी हुई है, गद्दे भी डाल लिए हैं, आज बहुत धूप है, शामियाना भी लग जाएगा और गुरुद्वारा नेड़े है, गुरुद्वारे का लंगर पूरा है, बस हमारी और कोई रणनीति नहीं है। बाकी रणनीति उन्हें बनानी है जिन्हें चीफ मिनिस्टर से बात करनी है, सोच ले हमने तो अपना मिनिमम बता दिया, अब वो सोच ले हाँ या ना करनी है, रणनीति उन्हें बनानी है, हमें कोई नहीं बनानी। यानी कि जे आज गलबात, कोई पहला ये सवाल है कि आज गलबात होएगी या नहीं होएगी?
हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हमने बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद नहीं किए हैं। अब उन्हें सोचना है कि वो बातचीत आगे करना चाहते हैं नहीं, पर बातचीत तो तभी होगी ना, जो कल बोला उससे कुछ आगे बढ़ेंगे तो बातचीत होगी। कोई वही स्टैंड थे किसान आज कायम ने जेड़ा कल सीगा, किसान को तो बदलने का कोई कारण ही नहीं है, हमने पहले ही इतना मिनिमम से मिनिमम कर दिया था, तो हमें तो बदलने का कोई कारण नहीं है, अब उन्हें फैसला करना है कर लेंगे। धन्यवाद गल करने के लिए। ऐसा किसान लीडर जोगिंदर यादव जिन्हों का कहना है कि किसान अपनी जो कल मंग सी उस मंग से अज भी कायम रहेंगे, जेकर सरकार के नाल गलबात होंगी है, इन्हों का कहना कि उन्हें सरकार को तय करना कि किस तरह के नाल गलबात करनी है। कैमरामैन ग्रीस के नाल हरपिंदर सिंह, ABP सांझा करनाल। ABP सांझा, जोश जज्बा जुनून।